महापालिका पर आज से प्रशासक राज लागू हो रहा है। आज नगर सेवकों का 5 साल का कार्यकाल संपन्न हुआ, लेकिन इससे पूर्व पिंपरी चिंचोड़ शहर में विकास कामों के उद्घाटन और लोकार्पण की धूम दिखाई दी। भाजपा विधायक महेश लांडगे द्वारा पूर्व महापौर और नगर सेवक नितिन कालजी के नेतृत्व में चरौली परिसर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए, जिनका उद्घाटन रविवार को संपन्न हुआ। नितिन कालजी के प्रयासों से चरौली परिसर विकास का रोल मॉडल बना है, ऐसा विधायक महेश लांडगे ने कहा। नितिन कालजी ने अपने महापौर कार्यकाल के दौरान कई विकास कार्यों को मंजूरी दी थी और पिछले 5 सालों में ये कामकाज पूरा करने के लिए प्रयास किए। नितिन कालजी के जन्म दिवस के अवसर पर परिसर के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक महेश लांडगे द्वारा किया गया। वड़मुखवाड़ी, बड़े बस्ती में स्विमिंग पूल, गार्डन, क्रीड़ा संकुल, पानी की टंकी, जॉगिंग ट्रैक, पार्किंग व्यवस्था, स्वच्छता गृह, ऐसे तमाम विकास कार्यों का उद्घाटन संपन्न हुआ। आईएसएम दौरान पूर्व महापौर और नगर सेवक नितिन कालजी ने कहा कि जो वादे जनता से किए थे वो सभी विकास कार्य आज पूरे होते देख अच्छा लग रहा है। 2017 के बाद चरौली परिसर का पूरा नक्शा बदल गया है। महापालिका में समाविष्ट गांव में आज विकास की गंगा बह रही है। वहीं भाजपा विधायक महेश लांडगे ने भी पूर्व महापौर द्वारा हुए विकास कार्यों की सराहना की और लोगों को आगामी चुनाव के लिए जागृत होकर मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि भाजपा द्वारा शहर में विकास काम हो रहे हैं और विरोधकों को जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी, हमारा काम बोलता है, ऐसा कहकर विधायक महेश लांडगे ने विरोधकों पर तंज कसा। मला तर ही सगळ्यांना पाहुणाच वाटतं आपा की चांगल्या चांगल्याच्या नाड्या थंड झाल्यात। हे काय कोणी विकत आणलेलं पब्लिक नाही, हे काय कुडून कुणाकडे जाऊन पाया पडून आलेलं पब्लिक नाही, हे तुमच्या कामावर जमवलेलं पब्लिक आहे, तुमच्या स्वभावावर जमवलेलं पब्लिक आहे। म्हणून आप्पा मी कधीच कुणालाही कुठल्याही प्रसंगामध्ये कसली अडचण येऊ दे त्याला सामोरा जातो, कारण मला माहिती आहे आपल्या माग नेते मंडळी नसली तरी जनता आहे, नागरिक आहेत, त्यामुळे आपण कधीही आपला मार्ग बदलायचा नाही, आपल्याला विश्वास आहे आपला मार्ग खरा आहे सच्चा आहे। नितीन आप्पा तुमच्या स्वभावाबद्दल बोलताना मी एखादा जर कीर्तनकार असतो तर एकदम चांगलं कीर्तन केलं असतं, चांगलं प्रवचनही केलं असतं, तुम्ही सांगितलं असतं, पण लय वेळ झालेला आहे, लोक मला म्हणतील हा उशीर आला आणि आपला जास्त टाइम घेतोय, मी जास्त बोलणार नाही, पण आप्पा तुमच्या भावी कारकिर्दीसाठी वागेश्वर महाराजांच्या चरणी प्रार्थना करेन की आमच्या आप्पाला उदंड आयुष्य, चांगलं आरोग्य आणि आपल्या सगळ्यांची अखंडपणे सेवा करण्याची ताकद वागेश्वर महाराजांनी आपल्याला द्यावी, एवढी प्रार्थना वागेश्वर महाराजांकडे करतो। आणि एक वाक्य आप्पांनी लिहून दिले, लय भारी वाक्य आहे, आम्ही तुमचेच आहोत आणि या पुढेही तुमचेच राहू। आप्पांनी लिहिलंय वाक्य, आपण सगळ्या पब्लिकची एक मागणी आहे पण ती काय तुम्ही पूर्ण करणार नाही असं वाटतंय आम्हाला, सगळ्यांनी हातवर करून सांगा बरं, ऐका नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे।